हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज बनाने वाले हैं राजमा की सब्जी, तो आप सभी को कैसी लगती प्लीज़ बताइएगा। तो कल शाम को राजमा को भिगो दिया था और ये भीग चुके हैं, फिर इनको कुकर में वॉश करके रख देते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं पानी और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। फिर गैस को ऑन कर देते हैं और कुकर को रख देते हैं और इधर लिया है दो प्याज, लिया है टमाटर, लिया है दो और लहसुन लिया है। और सबसे पहले प्याज को छील लेते हैं। और यहाँ पे फिर लहसुन को भी छील लेते हैं और फिर इन सबको वॉश कर लेते हैं पानी में अच्छी तरीके से। वॉश करने के बाद उसी प्लेट में निकाल लेंगे और फिर प्याज को काट लेते हैं और सिलवट्टे पे पीस लेते हैं। तो सबसे पहले सिलवट्टे को वॉश कर लिया है और फिर लहसुन और प्याज को पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इधर टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। तो देख सकते हैं पेस्ट बना लिया है और इधर राजमा उबल चुका है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से उबल चुके हैं। और इधर कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देते हैं तेल, फिर डाल देते हैं तेजपत्ता, जीरा डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, प्याज लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और फिर टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं। फिर यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। फिर इन सबको भी मिक्स कर देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया मसालों का कलर आ चुका है। फिर देख सकते हैं जो राजमा उबाले थे वो इसी में डाल देंगे। फिर इन सबको भी मिक्स कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं और फिर से चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं उबाल आ चुका है और कितना बढ़िया कलर आया है। इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये बनके रेडी हो चुका है। अब इसे उतार लेते हैं और दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है राजमा का। और इसे चावल के साथ निकाल लेते हैं राजमा को। तो देख सकते हैं चावल के साथ राजमा बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप सभी को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।